सहयोगियों के लिए सोने से पहले पानी में बैठना 5 मिनट अत्यंत आवश्यक। वो चाहे कोई भी हो, आप बड़े पहुंचे हुए हो, आपका हमें नहीं पकड़ता, ये इससे मतलब नहीं है। आपको 5 मिनट पानी में बैठना चाहिए। आप लोगों को ये आदत लगे इसलिए मैं जबरदस्ती बैठती हूँ कभी कभी, चलो मैं भी पानी में बैठती हूँ तो मेरे सहयोगी बैठेंगे। ये आदत बहुत ही अच्छी है। 1-5 मिनट पानी में सब सहयोगियों को बैठना चाहिए। फोटो के सामने दीप जला करके, कुंकू वगैरह लगा के, फोटो के सामने दोनों हाथ रखे, दोनों पैर पानी में रख के सब सहयोगियों को बैठना चाहिए। आपके आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे अगर आप ये करें। चाहे कुछ हो जाए, आप 5 मिनट की कोई मुश्किल नहीं है। सोने से पहले पानी में सबको बैठना चाहिए। इससे आपका जो है आधे से ज्यादा पकड़ ना खत्म हो जाएगा। समझ के फोटो को रख लिया। फोटो के आगे दोनों हाथ रखने से वाइब्रेशन आने लगती है और ये जो हमारे अंदर जितनी भी बाधाएं हैं, जितनी भी तकलीफें हैं, जिसके कारण हमारे वाइब्रेशन रुकते हैं, ये पंच महातत्व से आते हैं, पंच तत्वों में से आते हैं। पंच तत्व माने आप तो जानते हैं ना, पृथ्वी तत्व है, तेज है, आप है आदि। अच्छा, अभी जो कुछ में आप में बाधा है वो उसी तत्व में विलीन हो जाता है। तो आप अगर पानी का तत्व लें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पानी का तत्व में थोड़ा नमक डाल दिया तो जैसे आपने समुद्र को ही अपना लिया। समुद्र जो है गुरु स्वरूप होता है और उसको नमस्कार करके और उसमें दोनों पैर डाल के और दोनों हाथ ऐसे करने से आपको आश्चर्य होगा, वो सारा का सारा खींच लेगा। फोटो सामने एक दीप जलाइए, दीप से आपका प्रकाश है माने तेज तत्व है, तेज तत्व जो है उसको खींच लेता है। अग्नि से भी होता है, हर एक चीज से होता है। इसके अनेक उपाय हम लोगों ने सहयोग में पता निकाले हैं कि किस तरह से इसको, जो कुछ भी हमारे में जड़ता आ गई है, जो इम्बैलेंसेस आ गए हैं, जो संतुलन आ गया है हमारे पंच तत्वों में, उसको किस तरह संतुलन में लाना। जैसे संतुलन आ जाता है वैसे ही हमारी सब बीमारियां दूर हो जाती हैं। Once you have cleared these two sides, then you can use the photograph. Sit with your both the hands towards the photograph and put both the feet in the water, little bit of salt in it, and about 5-10 minutes you must allow vibrations to clear you out. Then wipe your feet, put the water properly into some disposal, and then sit down for meditation. If you can do that every day, even 10 minutes is more than sufficient. Don't have to do anything in an extreme manner.